अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो होगा डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, यानी कि एक डीएनए दो डीएनए में कैसे डिवाइड होता है और फिर ये रेप्लिकेट कैसे करता है, इसका सेल डिवीजन में क्या रोल होगा, आइए देखते हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि प्री रिक्विजिट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन ये होती क्या है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको नजर आ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव। बड़ा ही सिंपल सा वर्ड मैंने लिखा हुआ आपके लिए, सेमी कंजर्वेटिव से मुराद ये है कि डीएनए के दो स्टैंड होते हैं, उनसे आगे फिर चार स्टैंड बनते हैं। तो उनमें से एक स्टैंड पेरेंट्स का होता है, दूसरा स्टैंड किसका होगा, डॉटर का होगा, यानी कि 50% फ्रॉम पेरेंट्स एंड 50% फ्रॉम डॉटर, यानी कि न्यू स्टैंड बनेगा। इसलिए अगर ये 100% जो है पेरेंट्स से स्टैंड बने तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव, लेकिन अगर 50-50% उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि उसमें दो डायरेक्शन में जो है हमारे पास जो है डीएनए के ऊपर स्टैंड जो है सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि 5-3 के ऊपर भी, 3-5 स्टैंड के ऊपर भी रेप्लिकेशन हो रही होती है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे लीडिंग और लैगिंग स्टैंड के फॉर्म में जो दोनों बनते हैं। थर्ड स्टेप में देखो तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसमें जो है 5 एंजाइम इन्वॉल्व्स हैं, जिनको हम 5 प्लेयर्स ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे आगे हेलिकेज की, हम बात करेंगे टोपो आइसोमरेज की, हम देखेंगे पॉलीमरेज कैसे काम करता है और प्राइमेज किस तरीके से प्राइमर को ऐड करता है और लाइगेज किस तरीके से लैगिंग स्टैंड को जोड़ता है। तो इसलिए जो इन 5 एंजाइम के गिर्द हमारी रेप्लिकेशन का प्रोसेस घूमता है, इनको हम वन वन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास ये आप सबको पता होना चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, एरर फ्री होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो ना सिर्फ जो है वो हमारे पास पॉलीमराइजेशन यानी कि डीएनए की सेंसेस करता है, बल्कि उसकी प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म भी इसके अंदर अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए आपके कि जो है कंजर्वेटिव क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है और डिस्पर्सिव क्या होता है। अब वेरी क्लियर यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास पेरेंटल स्टैंड शुरू में आए, एक सब में एक कॉमन है, फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे आकर डिफरेंस आ रहा है, और हम बात करें सेंटर वाली यानी कि सेमी कंजर्वेटिव की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टैंड जो ब्लू कलर में दैट्स कम फ्रॉम पेरेंट्स और जो येलो कलर में है वो इसके ऊपर जो है इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनता है, यानी कि ए के अगेंस्ट टी आएगा, जी के अगेंस्ट सी आएगा, बेसिस जुड़ेंगे आपस में, तो देखिए उसमें दोनों स्टैंड में ऐसा हो रहा है, एक पेरेंट्स का एक डॉक्टर का। और इसी तरीके से जब इनकी फर्दर सेकंड एप्लीकेशन होगी तो उसमें एक जो है वो सेमी कंजर्वेटिव रहेगा, जब दो का क्या हो जाएंगे कंजर्वेटिव डॉक्टर स्टैंड बन जाएंगे, एंड देन सो ऑन, ये प्रोसेस जो है वो सेमी कंजर्वेटिव का जो है चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो 5 प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहला प्लेयर आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये जो दो स्लाइड मेरे पास है ये समझिए कि जितना भी डीएनए एप्लीकेशन के ऊपर नॉलेज है इनके अंदर मैंने समो दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलिकेज, जैसे इसके नाम से जाहिर है ये हेलिक्स को तोड़ता है, और आप जानते हैं डीएनए का जो हेलिक्स है वो हमारा ए और टी या जी और सी से बना होता है, यानी कि वहां पे हाइड्रोजन बांड होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बांड की जो ब्रेकेज है उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हेलिकेज। थोड़ा सा आगे मूव कर तो हमारे पास क्या होता है, टोपो आइसोमरेज। बहुत से स्टूडेंट जो है वो हेलिकेज को टोपो आइसोमरेज के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, तो याद रखिएगा टोपो आइसोमरेज सेंटर से नहीं ब्रेक करता, हाइड्रोजन बांड को ब्रेक नहीं करता, बल्कि ये जो हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर का जो धागा नजर आ रहा है आपको, ये इसको काटता है, यानी कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए जो है उसमें टोपोमरेज 1 और टोपोमरेज 2 जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये फॉस्फोडाइस्टर बांड को ब्रेक करता है। तो कहने का मतलब हुआ हेलिकेज हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करेगा, टोपो आइसोमरेज जो है फॉस्फोडाइस्टर बांड यानी कि थ्रेड को तोड़ेगा, ताकि हमारे पास जो डीएनए की जो आगे उसका जो हेलिक्स है वो अनजिप होता रहे, उसमें सुपर कॉइलिंग ना हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा आरएनए प्राइमेस, यानी कि जब डीएनए स्टैंड अनजिप हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 4-5 जो है वो बेसिस का एक फ्रेगमेंट ऐड कर, जिसको हम प्राइमर बोलते हैं या प्राइमेस जो है एंजाइम ये काम करा रहा होता है, नॉन सीक्वेंस होते हैं, ताकि हमारी जो है वहां पे क्या हो, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाए न्यू स्टैंड की, तो इसको हम प्राइमेस कहते हैं, जो कि काम करता है पॉलीमरेज के ताबिया होगा। हम फोर्थ प्लेयर की बात करें तो सबसे मेन प्लेयर यानी कि कैप्टन ऑफ द टीम, वो हमारे पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, यानी कि जहां पे प्राइमेज जो है 4 बेसिस ऐड कर देता है, उसके आगे जो फर्दर बेसिस होती है अकॉर्डिंग टू जो इसका नीचे टेम्पलेट स्टैंड होता है उसको यूज करते हैं, वहां पे उसकी जो है कंप्लीमेंट्री बेसिस ऐड करते हैं, यानी कि अगर नीचे टी है तो वहां पे ए लेके आएगा, नीचे जी है तो आगे सी लेके आएगा। लास्ट एंजाइम हमारे पास डीएनए लाइगेज, जो कि हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स में जहां हमारा डीएनए जो है वो पॉलीमरेज या तो प्रूफ रीडिंग करे, वहां पे मिसमैच को रिमूव करे, या फिर हमारे पास ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जो है हम यूज करते हैं लाइगेज एंजाइम को, ये लाइगेशन यानी कि जोड़ने का काम करता है। तो ये जो फिगर मैं आपके सामने लेके आया, जिसमें हम इनिशिएशन,
एलांगेशन और टर्मिनेशन की बात करेंगे, जो कि स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेशन के। इस फिगर को आपने अच्छे तरीके से याद रखना, समझने के ये आपके पास पूरी की पूरी बुक जो है मैंने यहाँ पे जो व्हाट्सएप क्लिक की है वो आपके सामने यहाँ पे स्नो दी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि हमारे डीएनए को कैसे सेंस होती है, कहां से रेप्लिकेशन कास्ट करनी है, यानी कि रेप्लिकेशन बबल कहां बनेगा और किस बेसिस को तोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है, और इसमें डीएनए ए के नाम से एक प्रोटीन होती है जो कि यहां पे मैंने आपके लिए मेंशन की हुई है। तो ये आइडेंटिफाई करती है कि रेप्लिकेशन कहां से हमने शुरू करनी है, और इसको रीजन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। जैसे रीजन ऑफ रेप्लिकेशन हो जाता है तो सबसे पहले जो प्लेयर हमारे पास आएगा, मैं यहां पे मेंशन किया हुआ, उसका नाम होगा हेलिकेस, यानी कि फर्स्ट एंजाइम जो हमारे पास होगा वो हेलिकेस होगा। और वो क्या करेगा, जो दरमियान में आपको ए टी और जी सी की जो बेसिस है, यानी कि हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करना शुरू कर देगा वो। और उसके साथ क्या लगी होगी, एस एस बी प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्टैंड अनजिप होंगे ये उनके साथ बाइंड करेगी ताकि दोबारा ये ना जुड़ सके। तो आप देखिए 5-3 स्टैंड के ऊपर भी ये दोनों लगे हुए हैं, और 3-5 स्टैंड के ऊपर भी ये दोनों लगे हुए हैं, हेलिकेस भी है प्रोटीन भी है। और इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, जैसे कि हम ट्रांसक्रिप्शन बबल की आगे बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, प्राइमर की सेंसिस होगी, यानी कि प्राइमर यहां के लगेगा और सुपर कॉइलिंग को रोका जाएगा। जो इसकी सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए यहां पे क्या होता है, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है एंजाइम, ये टोपोआइसोमेरेज 1 और 2 दोनों यहां पे काम करते हैं, सुपर कॉइलिंग को रोकते हैं ताकि ये जो डीएनए इसके ऊपर जब ये स्ट्रेच होगा तो ये इसकी सुपर कॉइलिंग ना हो। तो यहां पे आरएनए प्राइमेज आएगा और ये आरएनए प्राइमर जो दोनों स्टैंड के साथ ऐड कर देगा, यानी कि 5-3 स्टैंड के साथ भी ऐड कर देगा और 3-5 स्टैंड के साथ भी ऐड कर देगा। और जैसे जैसे पीछे से ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये प्राइमर यहां पे लगने के बाद पॉलीमरेज इसको सेंसाइज करेगा, आगे से जो हेलिकेस को ब्रेक डाउन करता रहेगा, और उससे आगे जो टोपोआइसोमेरेज होगा जो इसके ऊपर जो टेंशन और स्ट्रेस होगा उसको रिमूव करता रहेगा, और एसएसबी प्रोटीन क्या करेंगी, ये दोनों स्टैंड को आपको आपस में जुड़ने से रोकेंगी। ओके, जिसके बाद हमारे पास आता है एलांगेशन का स्टेप। एलांगेशन दो तरीके से होती है, जो हमने शुरू में कहा था बाई डायरेक्शनल। फर्स्ट क्या होगी, हमारे पास जो स्टैंड नंबर 5-3 होगा, मेन पेरेंट्स का स्टैंड होगा, उसके ऊपर जो है नया स्टैंड लगेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होगी 5-3, यानी यहां से वो स्टार्ट होगा, और यहां पे जो एंजाइम हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 भी है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कहते हैं, यूकैरियोट्स में इसको। तो ये यहां पे डीएनटीपीज को यूज करके, अब मोस्ट स्टूडेंट पूछते हैं कि ये डीएनटीपीज कहां से आएंगे, यानी कि एडेनिन गवानिन थायमिन साइटोसिन कहां से आएंगे, ये हमारे सेल से लेता है, जो हमारी डाइट के अंदर होती है वहां से ही आती है। तो यहां पे ये कंप्लीमेंट्री, ये क्या सेंस करेगा हमें, ये डीएनए पॉलीमरेज कहेगा अगर ऊपर ए लगा तो यहाँ पे टी लगाओ, ऊपर जी तो यहाँ पे सी लगाओ। तो इस तरीके से जो है ये इसको हम कहते हैं लीडिंग स्टैंड। तो ये लीडिंग स्टैंड इस तरीके से इसको ये बनाता जाएगा, जैसे आपको ये नीचे फिगर में नजर आ रहा है लीडिंग स्टैंड कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल जो है वो कंटिन्यूस रहता है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, पूरा का स्टैंड इस तरीके से बन जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये कंटिन्यूस स्टैंड के बाद हमारे पास लैगिंग स्टैंड आएगा। अब लैगिंग स्टैंड क्या होता है, ये अपोजिट बनता है, यानी कि यहां से ये इस स्टैंड की तरफ बनेगा, जबकि इसकी डायरेक्शन यहां से इस स्टैंड पे होती है। तो इसलिए ये जो स्टैंड है ये टुकड़ों में बनता है, यानी कि इसको हम कहते हैं इसमें क्या बनते हैं, ओकाजे की फ्रैगमेंट्स बनते हैं, डीएनए पॉलीमरेज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो हमारा फोर्थ प्लेयर है। तो इसको लैगिंग स्टैंड भी हम कह रहे हैं। तो ये देखिए टुकड़े, एक टुकड़ा यहां बन गया, फिर एक टुकड़ा यहां इसने बना दिया, इन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये एक जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था ओकाजाकी, उसके नाम पे इनका नाम रखा गया था। ये देखिए लाइगेज यहां पे आएगा और इन तमाम स्टैंड को जो टुकड़े टुकड़ों में उनको जोड़ देगा। तो यूं हमारे पास जो है डीएनए का ऊपर वाला स्टैंड भी, उसके नीचे भी स्टैंड बन गया और नीचे वाला स्टैंड के ऊपर भी स्टैंड बन गया। अब मोस्ट स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें सिर्फ इतना बता दें कि डीएनए के जो न्यू स्टैंड बनते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है। तो यूनिवर्सल फार्मूला है, डीएनए का जो भी नया स्टैंड बनेगा वो 5-3 बनेगा, यानी कि ऊपर वाला स्टैंड अगर 5-3 है तो नीचे 5-3 आपके पास बनेगा, तो वैसे आपको कंप्लीमेंट्री नजर आएगा। लेकिन नीचे वाला स्टैंड ओकाजाकी की फॉर्म में जो है वो भी 5-3 बनता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद दरमियान में ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जो है डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। तो आपने यूनिवर्सल टर्म याद रखनी है, जो भी न्यू स्टैंड इसके ऊपर बनेगा वो 5-3 डायरेक्शन में होगा। ओके जी, अब हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं, जो क्या टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होगा, हमने हेलिकेज को और हमारे पास जो है टोपोआइसोमेरेज और एसएसबी प्रोटीन इनको यहां से रिमूव करना होगा, इनको स्टॉप करना होगा। इसके लिए क्या होता है कि टर्मिनेशन साइट जो इनके जो है अपस्ट्रीम रीजन की तरफ होती है, तो वहां पे टस प्रोटीन जो है वो आती है, वो आके यहां पे इसको स्टॉप करती है। जैसे ही टस प्रोटीन यहां पे लगेगी, सिग्नल प्रोवाइड करेगी, और सिग्नल प्रोवाइड करते ही एसएसबी प्रोटीन, ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जैसे यहां से ये रिमूव होंगे तो यहां पे हमारा डीएनए स्टैंड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक उसकी लग जाएगी, और यूं हमारे पास जो है एक पेयर से दो पेयर ऑफ जो है वो डीएनए बन चुका है, यानी कि फोर स्टैंड बन चुके हैं, पेरेंट डॉटर फिर पेरेंट एंड डॉटर, ठीक है। तो यूं हमारे पास जो सेमी कंजर्वेटिव में जो है दो स्टैंड से चार स्टैंड बन चुके हैं, और इस तरीके से डीएनए की जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रेप्लिकेशन है, जो उसका फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट साइकिल यहां पे कंप्लीट हो चुका होता है। तो आप इस पूरी पिक्चर को आप सिर्फ याद रखें, और जिंदगी भर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी रेप्लिकेशन को रट्टा लगाने की, ये सारे के सारे कंसेप्ट इसके ऊपर अवेलेबल है। और मैंने यहां पे देखें नंबर के साथ, यानी कि हेलिकेज नंबर 1 पे है, टोपोआइसोमेरेज 2 पे है, ठीक है, प्राइमेज 3 पे है,
पॉलीमरेज 4 पे है, लाइगेज 5 पे है, 5 के 5 प्लेयर जिनका फंक्शन यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जेनेटिक कंटिन्यूटी में हमें इन्वॉल्व करता है, यानी कहने का मतलब है कि इंसान के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी से ट्रांसफर होती है। सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि मोस्ट स्टूडेंट ये नहीं जानते कि रेप्लिकेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ अ सेल डिवीजन। सेल तब तक डिवाइड होता ही नहीं है जब तक ये रेप्लिकेशन नहीं होती, तो इसका प्रीरिक्विजिट है, एवोल्यूशन इस पे डिपेंड करती है। ओके जी, अब इस पूरे प्रोसेस को सुनने के बाद इतना ही कॉन्फिडेंट, जितना कि आप सुनने के बाद कॉन्फिडेंट होंगे कि अब आप रेप्लिकेशन आपसे ज्यादा दूर नहीं है। जस्ट इस लेक्चर को सुनिए और अपने रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। गुड लक विद योर स्टडी विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज।